suffocate. Everything they complicate. Everything they steal your fate. Everything but you can. दोस्तों पोकेमॉन यूनिवर्स में कौन सा पोकेमॉन सबसे ज्यादा पावरफुल है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहें। दोस्तों आप बहुत सारे वीडियोस में पावरफुल पोकेमॉन्स के बारे में जरूर देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो जरा हटके है क्योंकि ये लिस्ट में हम पोकेमॉन यूनिवर्स के सभी पोकेमॉन्स और उनके मेगा इवोल्यूशन और फ्यूजन फॉर्म्स को इम्पोर्टेंस दिए हैं, जो कि आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ये लिस्ट के लिए हम ज्यादा करके सभी पोकेमॉन्स का बेस स्टेट टोटल, स्पेशल अटैक और पोकेडेक्स एंट्री को इम्पोर्टेंस दिए हैं। नंबर 10, क्यूरम व्हाइट। दोस्तों हम सब जानते हैं कि क्यूरम एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और जब डीएनए स्पेशल यूज किया जाता है रेजिरम के साथ, तब नॉर्मल क्यूरम रेजिरम के साथ फ्यूज होके क्यूरम व्हाइट बन जाता है और इसी तरीके से जब क्यूरम जैक्रम के साथ फ्यूज होता है तब क्यूरम ब्लैक बन जाता है। दोस्तों क्यूरम व्हाइट और क्यूरम ब्लैक का बेस स्टेट टोटल सेम ही है, लेकिन दोनों का पॉइंट्स थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। क्यूरम ब्लैक सिर्फ एक फिजिकल अटैकर है, जबकि क्यूरम व्हाइट स्पेशल अटैक के ऊपर भी ध्यान देता है, जो कि इस पोकेमॉन को थोड़ा पावरफुल बना देता है। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आती है मेगाडायंसी। दोस्त डायंसी को जब पहली बार अनाउंस किया गया था तब इस पोकेमॉन में कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। ये एक रॉक और फेरी टाइप पोकेमॉन है जेनरेशन एक्स और वाई का। जब ये पोकेमॉन का मेगा इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है तब इसका नाम मेगा डायंसी हो जाता है और इसके मेगा फॉर्म से ही इसका असली एक्शन हमें देखने को मिला था। ये मेगा इवोल्यूशन में मिक्स अटैकिंग कैपेबिलिटी था, साथ ही साथ इस पोकेमॉन के पावरफुल मूव्स भी हैं जैसे कि डायमंड स्टॉर्म और क्वालिटी कवरेज। और लास्ट दोस्तों ये एक ऐसा पोकेमॉन है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है ज़ायगार्ड कंप्लीट फॉर्म। दोस्तों ज़ायगार्ड कंप्लीट ज़ायगार्ड पोकेमॉन का फाइनल फॉर्म है और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। दोस्तों ये फॉर्म में ज़ायगार्ड का इतना पावर होता है कि ये सन्नियस और यवल्टाल जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हरा सकता है। ज़ायगार्ड का ये फॉर्म को एक परफेक्ट फॉर्म माना जाता है। वो उसके चेस्ट से बहुत ही हाई पावर एनर्जी निकालता है जिसके वजह से आसपास की चीज एनिमिनेट हो जाते हैं। अभी दोस्तों नंबर 7 पे आता है अर्सियस। दोस्तों अर्सियस एक ऐसा पोकेमॉन है जिसको पोकी फैंस के बीच में इंट्रोडक्शन देना नहीं पड़ेगा। ये पोकेमॉन को पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड माना जाता है। अर्सियस एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसका बेस स्टेट टोटल 720 है और इसका सभी बेस स्टेट 120 है। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन का एबिलिटी ही इसको पावरफुल बनाता है और वो एबिलिटी ये कि वो अपने डिफरेंट प्लेट की मदद से अपना टाइप को चेंज कर सकता है। दोस्तों अर्सियस का टोटल 17 प्लेट्स हैं। 16 प्लेट्स को जेनरेशन 4 और जेनरेशन 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 17 प्लेट्स को जेनरेशन 6 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक फेयरी टाइप था। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है अल्ट्रा नेक्रोसमा। दोस्तों नेक्रोसोमा एक साइकिक लेजेंडरी पोकेमॉन है और इसका 3 फॉर्म है, डॉकमैन नेक्रोसोमा, डॉनविंग नेक्रोसोमा और अल्ट्रा नेक्रोसोमा। जब डॉकमैन नेक्रोसोमा या तो डॉनविंग नेक्रोसोमा दोनों में से कोई भी अगर अल्ट्रा वर्स्ट यूज करेगा तो वो अल्ट्रा नेक्रोसोमा में चेंज हो जाएगा। अल्ट्रा नेक्रोसोमा के नाम से ही पता चलता है कि ये पोकेमॉन कितना डेंजरियस होगा। ये पोकेमॉन के बॉडी के चारों तरफ से लाइट चलता है और इसी लाइट की वजह से उसके आसपास के लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तु और नेचर यानी प्रकृति को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी दोस्तों नंबर 5 पे आता है प्राइमल ग्राउडॉन। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि काइगुरे और ग्राउडॉन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जब ग्राउडॉन का नॉर्मल फॉर्म थोड़ा कम पावरफुल साबित हुआ तब ग्राउडॉन का प्राइमल फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि उसके नॉर्मल फॉर्म से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
प्राइमल ग्राउडॉन सभी फायर टाइप पोकेमॉन में से सबसे ज्यादा लंबा है। साथ ही साथ ये एक हैवीएस्ट ग्राउंड टाइप और फायर टाइप पोकेमॉन भी है। लास्ट दोस्तों, सभी ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन में से ये पोकेमॉन का सबसे ज्यादा बेस अटैक और बेस स्टैट टोटल है। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आता है प्राइमल कैगुरे। दोस्तों अगर प्राइमल कैगुरे और प्राइमल ग्राउंड में से हमें पावरफुल चुनना पड़े तो हम ऑब्वियसली प्राइमल कैगुरे को ही चुनेंगे। हम ये जानते हैं कि प्राइमल कैगुरे और प्राइमल ग्राउंड का बेस टोटल सेम ही है, और ये भी जानते हैं कि ये दो पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर बहुत ही भारी पड़ते हैं। लेकिन जहाँ स्पेशल अटैक का बात आता है वहाँ कैगुरे बाजी मार लेता है, क्योंकि प्राइमल ग्राउडॉन का स्पेशल अटैक 150 है जबकि प्राइमल कैगुरे का स्पेशल अटैक 180 है, जिसकी वजह से ये पोकेमॉन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है मेगा म्यूटो एक्स। दोस्तों मेगा म्यूटो एक्स एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। मेगा म्यूटो एक्स में म्यूटो से 200% ज्यादा पावर है। दोस्तों म्यूटो का इतना पावर है कि वो आर्टिकोनो, जैपडॉस और माल्टो जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को एक साथ हरा सकता है। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेगा म्यूटो एक्स और मेगा म्यूटो वाई पोकेमॉन कितने पावरफुल होंगे। मेगा म्यूटो एक्स को हम फिजिकली देखें तो इसको एक परफेक्ट मॉन्स्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका बेस अटैक 190 है। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आता है मेगा रायक्वासा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है, लेकिन रायक्वासा इंसानियत का रखवाला है, क्योंकि जब जब अर्थ पे खतरा मंडराता है तब तक रायक्वासा प्रोटेक्टर बन के खड़ा हो जाता है। मेगा रायक्वासा एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन का सभी पोकेमॉन से ज्यादा बेस्ट टोटल है, और इसका स्पेशल अटैक भी बहुत ज्यादा है जो कि 180 है, और दोस्तों मेगा म्यूटो एक्स के स्पेशल अटैक से ज्यादा भी है। रायक्वासा को मेगा इवोल्यूशन होने में मेगा स्टोन का भी जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जिसके वजह से वो मेगा फॉर्म में आसानी से इवॉल्व हो सकता है। ये पोकेमॉन का एक यूनिक चीज ये है कि ये अजीब अजीब वेदर कंडीशन को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स। और दोस्तों ये पावर हम हुप्पा द क्लास ऑफ एजेस मूव में देख चुके हैं। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है मेगा म्यूटो वाई। दोस्तों हमेशा छोटी चीज में ही बड़ा धमाका होता है, वैसा ही कुछ मेगा म्यूटो वाई पोकेमॉन के साथ भी है। देखा जाए तो दोस्तों मेगा म्यूटो वाई मेगा म्यूटो एक्स पोकेमॉन से ज्यादा पावरफुल है। इन दोनों का बेस टोटल सेम है, लेकिन दोस्तों दोनों के स्पेशल अटैक में कुछ ज्यादा फर्क हमें देखने को मिला। मेगा म्यूटो एक्स का स्पेशल अटैक 154 है जबकि मेगा म्यूटो वाई का स्पेशल अटैक 194 है, जो कि सभी पोकेमॉन का स्पेशल अटैक से सबसे ज्यादा है। इससे दोस्तों आपको पता लग चुका होगा कि ये पोकेमॉन नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है, लेकिन जैसे जैसे जेनसन आगे आगे बढ़ते जा रहा है पावरफुल पोकेमॉन्स कुछ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों यही था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन्स के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा पोकेमॉन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।